Welcome, everyone, to the very first episode of Navshitej where we will bring about some very interesting and inspiring stories about Navneet and its employees, the proud Navneetians. Navneet, as we all know, is an organization which has been in existence in India for more than 60 years now. and has been supporting education, thereby helping build a bright future for India. My name is इज़ Krishna and I lead group ग्रुप for फॉर okay. और आज हम जिस बात के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं वो ये है कि हम कुछ नवनीतियन से बात करेंगे और हम उनकी जर्नीज़ को समझेंगे आज हमारे साथ मिस्टर विमल सावला मौजूद हैं और मिस्टर विमल सावला नवनीत के साथ तीस साल से ऊपर से जुड़े हैं और हम पहले नव क्षितिज एपिसोड के अंतर्गत ये जानना चाहेंगे कि मिस्टर विमल सावला का ये तीस साल से ऊपर का अनुभव नवनीत के साथ कैसा रहा सो विमल जी आप हमें कुछ अपने अनुभवों के बारे में बताएं मैंने ज्वाइन की जब नवनीत आ, मैं पंद्रह या सोलह साल का था और कॉलेज जाता था और उसी समय पार्ट टाइम नवनीत में आता था बारह बजे के बाद नवनीत में आता था और बाद में यहाँ से सब सीखा शुरुआत में मैं पार्सल डिपार्टमेंट में यानी जो मैनुअल वर्क होता था तब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी ऑटोमेशन नहीं थे तो सब मैनुअल वर्क होता था ऑर्डर निकालना फिर फिज़िकली एक एक किताब निकालना पार्सल बनाना और वो डिलीवरी के लिए ट्रकों में या टेम्पोज में लोड करना ये सब शुरुआत से मैंने यहाँ आके पहले शुरुआत की आगे मुझे यहाँ बहुत कुछ सीखने का मौका मिला In 90s नाइन्टीज़ में कंप्यूटर्स आए तब हमें कंप्यूटर सिखाए गए उस हिसाब से हमने मैंने कंप्यूटर सीखा सब सॉफ्टवेयर सीखे और धीरे धीरे यहाँ के प्रोग्रेस मेरा होता गया और आज मैं पब्लिकेशन डिपार्टमेंट में एज असिस्टेंट पब्लिशिंग मैनेजर हूँ और ये तीस साल की जर्नी में मुझे बहुत कुछ सीखने मिला है यहाँ बहुत अच्छा लगा जान के विमल जी अब हम ये जानना चाहेंगे कि इतने लंबे साथ के तीस साल से ऊपर का जो साथ रहा इसमें आपके लिए सबसे यादगार दिन कौन सा रहा मुझे पार्सल डिपार्टमेंट से जो हमारे डायरेक्टर पूज्य डूंगर गाला उन्होंने अपने डिपार्टमेंट में यानी पब्लिकेशन डिपार्टमेंट में इंट्रोड्यूस किया वो दिन मेरे लिए बहुत बढ़िया दिन था दैट वाज नाइन्थ सितंबर 1992 क्या बात है Uh, कुछ ऐसे भी uh, मौके होंगे जहाँ पे कि आपको महसूस हुआ होगा कि नवनीत ने बहुत मजबूती से आपका साथ दिया तो अगर आप ऐसा कुछ uh, कोई स्टोरी uh, है जो हमारे साथ आप शेयर करना चाहें आप जैसे बताया मैं पंद्रह सोलह साल का था जब आया मैं यंगस्टर यंग, यंग ब्लड दुनिया बदलने की इच्छा रखने वाला तो उस तरह से मैं आया लेकिन यहाँ आके पता चला कि काम कैसे होता है काम यानी शांत कैसे रहते हैं हर डिसीजन अपने गर्म खून से नहीं लेना चाहिए ये सब पहले सिखाया गया सीखा मैंने यहाँ आकर और धीरे धीरे जो प्रोग्रेस हुआ उसमें मैं कामर बनते गया शांत बनते गया कंपोजर आया दुनियादारी सीखी ये सब यहाँ आके सीखा है जैसे विमल जी के जीवन में एक नया क्षितिज नवनीत ने बनाया एक नया होराइजन बनाया तो ये जो लंबा साथ है जो 30 साल और 35 साल और ये नवनीत की खासियत रही है कि यहाँ के जितने इम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने इतना ही लंबा साथ दिया है नवनीत को आ, उनका जो ओवरऑल कल्चर रहा है उनकी पॉलिसीज़ रही है उनका सपोर्ट रहा है इन सब को मिला के ही ये लंबे साथ और इतने कारगर साथ आ, हो पाते हैं विमल जी आ, आप बाकियों को क्या कहना चाहेंगे नवनीत के बारे में इस तीस साल के बारे में नवनीत में जो एक कल्चर है कि सबको साथ में लेके चलना सबको साथ में लेके ऊपर उठना ये हमको सीखना चाहिए कि हम परिवार में हों कहाँ भी हों ऑर्गेनाइजेशन में हो हमको सबको साथ में लेके चलना है दूसरी बात एक आपको हर समय सीखते रहना है जैसे कि मुझे किताब पढ़ने का बहुत शौक था पहले से और मुझे किताबों की कंपनी में हाँ जॉब भी यहाँ नवनीत में मिल गई तो मैं आज भी बहुत पढ़ता हूँ अलग अलग टॉपिक्स पे पढ़ता हूँ साइंस हो फिक्शन हो फिल्म्स हो या तो एनी अदर टॉपिक में बहुत कुछ पढ़ता हूँ तो ये पढ़ने से आप में एक ठहराव आता है जो कि आपके दिमाग को शांत करता है आप में डेवलपमेंट के विचार आते हैं सब तो आपको पढ़ते रहना चाहिए और थर्ड थिंग आपको सबसे बड़ी बात एक पंक्चुअलिटी यानी कि मैं यहां तीस सालों में शायद ही ऐसा दिन होगा जैसे जब मैंने एक मेडिकल लीव ली होगी माइंड क्लियर रखेंगे पंक्चुअलिटी रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा और यही सब सीखा है मैंने। नवनीत परिवार जो है जो उनके प्रोमोटर्स हैं उन्होंने हमेशा आ, सारे एम्प्लॉइज़ को एक परिवार का ही अंग माना है और ऐसा ही उनको महसूस कराया है जिसके कारण ये जुड़ाव ये कोहेसिवनेस हमेशा रहा है उनकी पॉलिसीज़ उनका अप्रोच हमेशा से ही ये साठ वर्षों से ही ऐसा रहा है कि सबसे पहले एम्प्लॉ को ही हम सपोर्ट करेंगे और उनको हर तरीके से हेल्प करेंगे आपने आ, अलग अलग जनरेशन्स को भी देखा होगा तो हम ज़रा उसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे कि हर जनरेशन की कुछ ना कुछ खास बात रही होगी जो कि याद रखने लायक है ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं नवनीत की फर्स्ट जनरेशन से जुड़ा हुआ हूँ जब डूंगरशी भाई थे अमरचंद भाई थे तब बाबा सेठ थे फिर अब अनिल भाई हैं सुनील भाई हैं और ये सेकेंड जनरेशन है अब थर्ड जनरेशन भी आ रही है हर्षिल भाई देवीश भाई आदित्य भाई सब आ रहे हैं तो ये जो जनरेशन के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ तो फर्स्ट ले से लेके अभी तक की जनरेशन में सब में वैल्यूज़ की जो हम बात करें कि या तो सब में प्रिंसिपल्स की बात करें तो सब ने ये ट्रेडिशन संभाल के रखा है जो आदमी है जो एम्प्लॉइज है उनका इम्पोर्टेंस कम नहीं किया है उनको साथ में लेके चल रहे हैं आप पब्लिकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं इतने सालों से जुड़े हुए हैं और वहाँ पे किताबें बनाई जाती हैं और किताबें बनाने में काफ़ी सृजन शक्ति काफ़ी क्रिएटिविटी लगती है अब मुझे आपसे ये जानना है कि किताब बनाने का जो ये सफ़र है उसमें दिल और दिमाग ये दोनों का कितना काम होता है पब्लिकेशन डिपार्टमेंट यानी जहाँ क्रिएशन होता है सबसे पहले तो ऑथर्स लिखते हैं बाद में वो टाइप सेटिंग यानी डीटीपी होता है उसका डेटा एंट्री पूरा होता है उसके कवर्स बनते हैं पिक्चर्स बनते हैं प्रूफ रीडिंग होती है फाइनल होता है और बाद में वो छपने जाती है पब्लिकेशन डिपार्टमेंट जो है वो नवनीत का हार्ट हम एक तरह से कह कह सकते हैं जहाँ क्रिएट होती है किताबें बनती हैं कंटेंट जो होता है दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि हम महाराष्ट्र और गुजरात के और ऑल ओवर इंडिया हर हर बच्चे के हाथ में ये किताबें जाने वाली हैं और उनको सही में अच्छी तरह से जो भी सिखाया जाए वो कंटेंट होता है इंपॉर्टेंट कंटेंट है उसमें और कंटेंट के बारे में हम नवनीत में कभी भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं क्वालिटी कंटेंट होता है तो इसलिए हर किताब में जान डालने से हर एक वो टीम मेंबर का सहयोग और योगदान होता है हंड्रेड पर अभी मुझे आपके जो जवाब अभी तक रहे हैं मेरे सवालों के उसमें एक और चीज बहुत ही क्लियरली सामने आई है वो ये बात है कि नवनीत साठ साल से ऊपर अपने एग्जिस्टेंस में है कॉरपोरेट सेक्टर में है और हमने ये देखा है कि जो इनकी बुनियादी वैल्यूज़ हैं जो इतने साल दर साल चली आ रही हैं वो नहीं बदली है लेकिन इन्होंने फिर भी उन्हीं बुनियादी वैल्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए नई टेक्नोलॉजीज नए प्रोसेसेस, नए प्रैक्टिसेस ये सारा कुछ इंप्लीमेंट किया है ये खुद भी काफ़ी प्रशंसनीय है अगर आप देखें और आपका इस विषय में क्या सोचना है शुरुआत में जब आज से तीस साल लिया तो पच्चीस साल पहले की बात करूँ तो तब किताबें मैन्युअली बनती थी यानी हर चीज लेटर प्रेस आप कुछ लोगों को पता हो ये वर्ड लेटर प्रेस से बनता था बाद में ब्रोमाइड प्रिंट्स आई फिल्म बनने लगी नेगेटिव पॉजिटिव पर से बुक्स छपने लगी उसके बाद अब पूरी टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटराइज टेक्नोलॉजी जो आ गई है उसकी वजह से सब ऑनलाइन हो गया है किताबें छपने भी ऑनलाइन जाती हैं और किताबों का कंटेंट की बात करें तो किताबों में पहले ट्रेडिशनल क्वेश्चन आंसर्स होते थे उसके बाद कई तरह के नए फीचर्स हमने ऐड किए समरी ऐड की या तो अब अब की बात करें तो उसमें क्यू कोड्स पर हम जो फ़ीचर्स ला रहे हैं जैसे आप क्यू कोड स्कैन करते हैं तो उसमें आपको पूरा डेटा या तो पूरी जो किताब है वो आपको देखने मिलती है हम डीजी बुक क्या एक फीचर दे रहे हैं जिसमें किताब पूरी पीडीएफ में आपको मिल सकती है आप स्टडी कर सकते हैं ऑन द गो वो आपको मोबाइल पे लैपटॉप पे कहीं भी आप ऑन द गो वो सीख सकते हैं और ये जो है टेक्नोलॉजी का जो एडवांसमेंट है उसमें एडोपशन में शायद नवनीत हर समय जुड़ा रहा है और समय आगे रहा है ऐसे पॉइंट्स पे तो ये जो बहुत बड़ा बदलाव है हर ज हर समय आता है और हर समय नवनीत इसको एडॉप्ट करके आगे बढ़ते हैं सो so आप सबके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण पीरियड था कोविड का पीरियड जो कि हमने 2020 और 21 में देखा और इस बात का मैं एक विशेष यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि उस पूरे पीरियड के दौरान जितने भी शायद व्यवसाय पे बिज़नेस पे जो भी उसके एडवर्स इम्पैक्ट्स पड़े होंगे बट पूरे नवनीत परिवार ने अपने किसी भी एम्प्लॉय को निकाला नहीं और उन्होंने उनकी पूरी सैलरीज उनको पे की उनके बोनस पे किए तो इन एक्शन से हमें ये बहुत क्लियरली समझ में आता है कि इनके दिल कितने बड़े हैं और ये किस तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचते हैं और उनको स्पेशली इतने टफ़ टाइम्स में किस हद तक जाके सपोर्ट करते हैं अब मैं इसी विषय को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए विमल जी से पूछना चाहूँगा कि आपका हमारे प्रमोटर्स के बारे में क्या ख्याल है मैं नवनीत के प्रमोटर्स यानी गाला फैमिली के बारे में बताऊँ तो वो जितने डाउन टू अर्थ हैं शायद ही कोई फैमिली आज तक मैंने देखा है कोई भी हो टॉप लेवल के मैनेजिंग डायरेक्टर लेवल हो डायरेक्टर लेवल हो या तो मैनेजर लेवल हो कोई भी हो दे आर वेरी मच अप्रोचेबल एनी टाइम आप अपनी कोई भी समस्या लेके जाइए बताइए उसका सोल्यूशन निकालने के लिए वो तत्पर रहते हैं क्योंकि एम्प्लॉ अगर खुश रहेगा ठीक रहेगा उसकी मानसिकता ठीक रहेगी तो ठीक से काम कर सकेगा कर सकता है ये उनका मानना है तो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल के उसको शांत उसको कर देते हैं और सबसे बड़ी बात हर डायरेक्टर या तो हर फैमिली का मेंबर पर्सनली अप्रोचेबल है आप कहीं भी उनको जाओ मिलिए और तुरंत वो आपको मिलते हैं और आप आपको एंटरटेन करते हैं ये बहुत बड़ी बात है मैं आपकी बात से सहमत हूँ क्योंकि मैंने भी तकरीबन पाँच वर्षों से ये देखा है उनके साथ काम करते हुए तो विमल जी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतने अच्छे तरीके से जो भी सवाल हमने पूछे आपने बताया अपने इस पूरे जर्नी को हमारे सामने एक्सप्लेन किया दोस्तों ये नवशितिज का पहला एपिसोड था तो इस नवशितिज इनिशिएटिव के अंतर्गत हम आपके सामने और भी ऐसे अनुभवों को शेयर करेंगे और आपको नवनीत ब्रांड नवनीत ऑर्गेनाइजेशन जो संस्था है उसके बारे में हम अवगत कराते रहेंगे अंत में मैं आपसे एक ख्याल शेयर करना चाहूंगा कि ये नवनीत है जो अपने नीतियों नियमों और विचारों से एक उज्ज्वल भविष्य की उम्मीद जगाता है और अपने प्यारे एम्प्लॉयस के दिलों में आशाओं अरमानों और उपलब्धियों का एक नया क्षितिज बनाता है थैंक यू